Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing good. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ. हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद मैं सोचा नहा लेता हूँ. कल भी मैं नहाया नहीं था बिकॉज बहुत ठंडी लग रही थी, बट आज स्किप नहीं कर सकता था. कल हमारा ट्रेन है तो आज अच्छे से नहा लिया मैंने. और चलिए अभी मैं दिखाता हूँ हमारा लंच का प्रिपरेशन क्या चल रहा है, आज हमारे किचन में क्या स्पेशल बन रहा है. ये देखिए हमारा छुटरू बेटा भी नहा लिया है. ठंडी से कांपता हुआ मेरा छुटरू बेटा, इसको तैयार करूंगा. आज भी किचन की जिम्मेदारी शेफ स्पेशल के ऊपर. तो आज स्पेशल क्या बन रहा है? आज बन रहा है मटन रोगन जूस. आज है मटन ऑलरेडी आधा हो चुका है, मैं लेट हो गया आते आते. हाँ तो मैं पैकिंग और नहाने धोने के चक्कर में लेट हो गया. अभी तो आज ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गया पूरा. चलिए कोई नहीं, बनने के बाद पूरा दिखाएंगे. अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है. तो हम आपको दिखाते हैं मटन रोगन जोश. जोर से खाएंगे आज, ठंडी में गरम एकदम. तो हमारा लंच हो गया है रेडी. और जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा स्पेशल लंच है मटन एंड राइस. चलिए मैं आपको थोड़ा हिला के दिखा देता हूँ इसका मटन. हुई हुई हुई, ओ वाह. तो ये मटन है हमारे शेफ स्पेशल का. ये है हमारा राइस. चलिए अभी हम लोग खाते हैं मटन एंड राइस. ये है मेरा थाली और ये है मेरा मटन. चावल कम है और पर्सन लिया जाएगा मटन के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज. और ये देखिए चाव से खाते हुए मटन के सामने किसी का इंतजार भी नहीं हुआ. हाँ दीदी एकदम लहसुन लहसुन खाइए. और ये देखिए ये भी सब यहाँ पे नॉनवेज लवर है, कहाँ से आ गए एक ही जगह सब. उधर पियू अकेले अगर अभी जाएंगे एक साथ जुड़ेंगे, एक खांसी तो कटना ही पड़ेगा. तो चलिए हम एंजॉय करते अपना मटन, नहीं तो हमारा मटन रुक जाएगा, छूट जाएगा. हनी वेयर यू गोइंग? Where is your friend there? अरे मोर मोर मोर. ऐसे इनके कंपाउंड में बहुत मोर है और फाइनली हमें जाते जाते मोर दिख गया. अभी हमारी जर्नी चालू हुई है चाय के लिए. जैसा कि आप जानते हैं we are a चाय लवर. अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने बाहर हाईवे के किनारे खटिया बैठ के पिएंगे. एकदम कहाँ पे? खटिया पे बैठ के पिएंगे. खटिया तो कहाँ पे जा रहे हैं क्या? चलिए मुझे भी नहीं पता कहाँ पे जा रहे हैं, बस जा रहे हैं चाय पीने. इतना बुला गया है तो चाय पीते हैं आपके साथ. अगर आपको पीना है हनी के साथ, हनी के साथ पीना है. ओके हनी भी चाय पिएगा. ओके ऑन द वे हमें ये पालकी यात्रा दिखा. ये पालकी यात्रा शायद किसी गुरुद्वारे के लिए जा रहा है. कीर्तन उर्तन टाइप का भगवान का हो सकता है. और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नजारा है. फ्रंट सीट पे बैठने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है. अभी हम खेत में चाय का मजा ले रहे हैं, एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस.
अभी हम हैं पंजाब के सरसों के खेत में। बैकग्राउंड देख के तो आप समझ ही रहे होंगे, और ये सीन आपको याद दिलाएगा दिलवाले दुल्हनिया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो हम भी रिक्रिएट कर रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन। तो चलिए रन कीजिए। जस्ट जोकिंग, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो काजोल और शाहरुख खान बन सके। इट इज जस्ट बैकग्राउंड बहुत सुंदर लगा, तो हमने गाड़ी रोका, यहीं पे चाय पिया और उसके बाद फिर थोड़ा सा सेल्फी विल्फी ले रहे हैं। ट्राइंग टू बी शाहरुख खान व्हिच इज नॉट पॉसिबल बट स्टिल आई एम डूइंग इट। इट्स टाइम फॉर इवनिंग स्नैक्स, और हमारा इवनिंग स्नैक्स में क्या स्पेशल है वो हम दिखा रहे हैं आपको। पोस्ट एग, या इसको बोल सकते हैं सिंगल फ्राई, इसको हाफ फ्राई भी बोल सकते हैं मेरे लैंग्वेज में। So, ये हमारा इवनिंग स्नैक्स है आज का, और इसके साथ हमारे हम लेंगे चाय। चाय का बोल नहीं सकते हैं, चाय कितनी बार भी हम पीते हैं। ये क्या बन क्या रहा है? ये चाय है, चाय हंडी वाला चाय, आज का स्पेशल सुपर स्पेशल। ओ माय गॉड, हंडी वाला चाय, वो भी चूल्हा पे, चूल्हा भी मैनमेड है। ओके, मैनमेड चूल्हा, ईटा पे रख के चूल्हा, ये जुगाड़ वाला चूल्हा है। सो घर में आंगन होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, कभी बोन फायर कर लो और कभी हंडी वाला। ए गिरा 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 मिट्टी, एक बार गर्म हो गया तो काम है। तो फिर उसको पकड़ने तो हाथ नहीं लगेगा? नहीं, ये गर्म नहीं होता ना, नीचे पहले गर्म होता है। ये चाय पीने का अलग ही मजा आएगा, ये चाय का टेस्ट ही अलग होगा। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं, बहुत मजा आएगा, जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। हाँ सच्ची एकदम टेस्टी चेंज हो जाता है। चीयर्स गाइस, यू आल्सो एंजॉय। हाँ मजा आ गया, जाते जाते मजा आ गया, मजा नहीं आ रहा था। अरे चाय पी के मजा आ गया, चाय बहुत पी रहे थे ना। मतलब चाय का ऐसा टेस्ट, मतलब अभी तक कितना रोज का चार चाय पी रहे हैं फिर भी ये टेस्ट अलग आया। हाँ एक बार शाम को तो जला के बना सकते थे। Cheers guys. Yes. तो ये हम लोग कुल्हड़ नहीं, कौन सा चाय भैया? हड़िया वाला चाय इन अ देसी स्टाइल, एंजॉय करते हुए। So, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप भी एंजॉय करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चाय पिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।